नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। हम पढ़ रहे थे BSc एग्रीकल्चर की मैथ और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था समाकलन। तो हम क्लास को शुरू करने वाले हैं, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दो सभी के पास। सभी दोस्तों को मेरा गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, राम राम सभी को। चलेगा, क्लास शुरू करने वाले हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करो यार, ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सके और सभी कक्षाओं का लाभ ले सके। आपकी सुचारू रूप से क्लासें शुरू कर दी है, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे क्लासें लगती है, तो टाइम पे आपको आना है, ठीक है ना। कोई क्लास छोटी बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं, आपको टाइम पे आना है। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आपको रिवाइज ही करना है। तो चलिएगा गाइज, हमारी जो पहली क्लास रही थी उससे पहले यू इंटू वी वाली समाकलन की, यू इंटू वी वाली, वो बहुत ही शानदार क्लास रही थी और अच्छा भी रिस्पॉन्स आया था। चलेगा, यहाँ से मैं आपको यू इंटू वी वाला वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, यहाँ से समझिएगा। ये हमारी छोटी क्लास हो सकती है, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो मुझे लगता है अब की बार कोई ना कोई क्वेश्चन इसी क्लास से जरूर आने वाला है। तो ये शानदार क्लास रहेगी हमारी। यू को सेम, वी का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, इसका ये अवकलन करना है। यहाँ से वी का समाकलन और पूरे का समाकलन मेरे को करना है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, आईलेट आपको याद रखना है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी घंटी को दबा लें और क्लास को पसंद करना, यानी पसंद कहने का मीन्स क्लास को लाइक कर देना। अभी लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा, और अपने परिवार के सदस्यता आपको लेनी है चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है, 100% कहता हूं क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखिएगा मेरे दोस्तों, आपको अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से इसको हल करना है। देखिएगा गाइज, इसको आपको हल करना है। अगर आप ये हल करोगे, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो देखिएगा किस प्रकार से आप हल करोगे इसको। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो यू यू है, वी नहीं है। हाँ अरे है, मेरे पास है। देखिएगा, मैं अगर इसकी गुणा में 1 लगा सकता हूँ ना, मैंने बोला किसी की पावर होती है दिखाई नहीं देती, वो 1 होती है। अगर किसी के गुणा में कुछ नहीं दिखाई देता तो वहां पर भी 1 होता है, अरे छिपा रहता है, ये 1 नलायक बहुत है। यहाँ पे देखिएगा ये 1 आ गया ना, ढूंढने से मिलता है, वैसे नहीं मिलता, दिमाग लगाने से मिलता है, क्लासें देखने से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ से 1 है, 1 यानी चर घातांकी फलन हो गया। चर घातांकी फलन को यहाँ पे आपको सेकंड मानना है, और ये लॉगरिथम हो गया, आइलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट मानना है। तो यहाँ से देखिएगा, इसी हिसाब से मैं सूत्र में मान रख रहा हूँ, इस हिसाब से आपको करना है। यहाँ से माइनस का चिन्ह है, डी अपोन में डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा लॉग एक्स का अवकलन, और यहाँ से 1 का समाकलन है, और पूरे का समाकलन आपको अच्छे तरीके से करना है। गाइज यहाँ से देखिएगा, लॉग एक्स 1 का समाकलन क्या होता है, जिसके सापेक्ष करते हैं वो होता है एक्स, यहाँ से गुणा में है। माइनस का डी अपॉन में डी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक्स का लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा, लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा, लॉग एक्स का अवकलन होगा 1/x इंटू, यहाँ से इसका अवकलन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा ये, और डी एक्स। थोड़ा सा आपको दोबारा समझना है, मैं यहाँ से देखिएगा, मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना, इसी सूत्र में मैंने मान रखे हैं, इसी सूत्र में मैंने मान रखे हैं। देखिएगा गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम सत श्री अकाल, चलिएगा सभी को मेरा नमस्ते। चलिएगा गाइस, थोड़ा सा क्या है, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा, बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ से लोग को फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है, तो फर्स्ट को सेम, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और पूरे का समाकलन करना है हमें। तो मैंने ये हल कर दिया, यानी 1 का समाकलन क्या होता है, अगर मैं टी के सापेक्ष कर रहा हूँ तो टी हो जाएगा, अगर वाई के सापेक्ष कर रहा हूँ तो वाई हो जाएगा, अगर एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ तो एक्स हो जाएगा। मेरे गाइस, यहाँ से 1/x हो जाएगा किसका अवकलन, लोग एक्स का अवकलन 1/x होगा, और एक्स किसका समाकलन होगा, इस 1 का समाकलन हो जाएगा,
चलिएगा dx है, यहां से मेरे पास आ जाएगा log x, और ये x मैंने इसका पहले लिख दिया, यहां से देखिएगा गाइज ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, एक डॉट dx वापस हमारा क्या बन जाएगा, x बनेगा, और यहां से बनेगा मेरे पास log x, और यहां से x प्लस का c, गाइज ये आपका आंसर आ जाता है। या तो यहां तक ही कर देना, अगर कोई भी स्टेप को वर्दी करना चाहता है या ज्यादा समझना चाहता है तो कोई बात नहीं गाइस, अगर चार नंबर का आता है तो एक दो स्टेप अपनी तरफ से करेंगे, और वो क्या करेंगे देखना, यहां से मैंने इसको एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो मेरे पास बनेगा लॉग एक्स माइनस का एक प्लस का सी। अब देखना मैं बोलता हूं कि यहां से समझिएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, भी लॉग ई होता है उसका हमेशा मान एक होता है, लॉग ई कहीं पर भी दिखे उसका मान हमेशा एक होता है, तो मैं एक की जगह क्या लिख सकता हूं एक्स, यहां से मेरे पास लॉग एक्स है और ये हो जाएगा लॉग ई और प्लस का सी। अब आप जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि यहां पर लिख रहा हूं मैं लॉग एम बटे एन, तो आप लिखोगे लॉग एम माइनस लॉग एन, ये लिखोगे आप लॉग एम बटे एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन, ये लिखोगे, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा ये आपके लिए सूत्र हो गया एक, ये आपको ध्यान में रखना है, और एक ये सूत्र हो गया, दोनों को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो अपनी कॉपी में लिख लेना एक तरफ और ध्यान देना इसकी तरफ दोनों की तरफ। यहां से एक्स, अब देखिएगा लॉग एम माइनस लॉग एन उसी फॉर्मूले से है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो मैं यहां से लॉग मेरा कॉमन आ जाता है और एक्स ऊपर आएगा और ई नीचे आएगा प्लस का सी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाता है। इसके बाद में हमारी कोई भी स्टेप नहीं वर्दी होगी, यहां तक भी कर देना और यहां तक ही करो तो यहां तक कर देना, ये एक्स्ट्रा आपके लिए एक सूत्र बन गया, लॉग एम बटे एन को क्या लिखोगे लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, भी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पहली क्लास लगाई है तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। जो भी कैंडिडेट बीच में जुड़े हैं वो एक बार पुनः देख लें क्लास को, कोई बात नहीं, अभी आए हो तो साथ में रहो, पूरी क्लास के साथ में रहो और बाद में दोबारा देख लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी घंटी को भी दबा लें और क्लास को लाइक कर देना, अभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितनी भी संख्या देख रही है हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है क्लास को शेयर करना है। चलिएगा ये क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां से देखिएगा लॉग एक्स ही था हमारे पास, लेकिन आपको एक मानना है इसके गुणा में कि डायरेक्ट लॉग एक्स का समाकलन नहीं होता, डायरेक्ट लॉग एक्स का समाकलन नहीं होता, तो इसके यू इंटू वी से आपको करना पड़ेगा, और यू इंटू वी से करोगे तो इसके गुणा में एक आपको मानना ही पड़ेगा, एक हमेशा दिखाई नहीं देता, सभी के गुणा में एक होता है तो हम इसको एक मान सकते हैं। चलिएगा गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पूरी क्लास लगाओ, क्लास के बीच में आते हो वापस चले जाते हो, ऐसा करने से आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप आते हो तो कहीं मत जाइएगा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहती हमारी, आधा घंटे की या 20 मिनट की ही क्लास रहती है। तो चलिएगा गाइज एक शानदार सा क्वेश्चन भी करवा देता हूं, एक शानदार सा क्वेश्चन भी करवा देता हूं, देखिएगा टेन इनवर्स एक्स का हमें समाकलन करना है गाइज, यहां से आप यू इंटू वी किसको मानोगे, सर हमें तो फर्स्ट इसको ही मानेंगे, यू इसको ही मानेंगे, क्योंकि हमें तो इनवर्स दिखना ही चाहिए, इनवर्स पहले आता है आई लेट में, आई इनवर्स होता है, तो सर हम तो इसको फर्स्ट मानेंगे, अरे क्यों मानो, चलिएगा आपने फर्स्ट इसको मान लिया, मैंने भी माना है इसको फर्स्ट माना है, लेकिन सेकेंड किसको मानेंगे, सेकेंड किसको मानोगे, कई बोलेंगे सर इस एक्स को मानेंगे, ये इसके थीटा है, ये टेन का थीटा, ये कोण है, इसको नहीं मानेंगे, इसके गुणा में एक लगाएंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, तो उसी फॉर्मूले में हमें मान रखना है, फर्स्ट को सेम रखना है और सेकंड का समाकलन करना है, यहां से माइनस का चिन्ह है डी अपॉन में डी एक्स और ये रहेगा टेन इनवर्स एक्स और यहां से एक का समाकलन और पूरे का समाकलन। देखिएगा गाइस कहीं मत जाइएगा,
पूरा ध्यान से देखिएगा, यहां से टेन इनवर्स एक्स और एक्स का समाकलन नहीं, एक का समाकलन हो जाएगा एक्स, यहां से माइनस टेन इनवर्स का अवकलन, टेन इनवर्स का अवकलन वन अपॉन में वन प्लस में एक्स की स्क्वेयर होता है हमेशा। टेन इनवर्स का अवकलन, अवकलन वाली पहली क्लास देख लेना, उसमें मैंने सूत्र बताया था भी टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, वन अपॉन में वन प्लस में एक्स की स्क्वेयर होता है गाइज। और यहां से इसका समाकलन हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स और डी एक्स। अब एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं यहां से बोलूं भी एफ डॉट एक्स अपॉन में एफ एक्स और डी एक्स हो, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं लॉग एफ एक्स और प्लस का सी, ये लिखूंगा, यानी नीचे वाली वैल्यू का अवकलन ऊपर वाली वैल्यू हो, नीचे वाली वैल्यू। इसको देखना मैं किस प्रकार से बनाऊंगा, ये सूत्र मैंने इसके लिए ही लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये यहाँ पे x गुणा में है ना, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये ले गया, ले सकता हूं ऊपर, क्योंकि इसके गुणा में हो या ऊपर हो एक ही बात होती है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नीचे वाली वैल्यू का ऊपर वाला अवकलन, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर वाला अवकलन, कहने का मीन्स ये हमारी नीचे वाली वैल्यू है और इसका अवकलन क्या होगा, जीरो प्लस का टू एक्स, यानी ऊपर हमें क्या चाहिए, टू एक्स चाहिए। तो देखिएगा मैंने 2 इसके गुणा में लगा दिया, लेकिन 1 बाई 2 भी लगा दिया, यानी 2 से 2 काटेंगे तो x ही बचेगा। इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं ना, अगर इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं तो देखिएगा गाइस, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर वाला अवकलन, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर वाला अवकलन, यहां पे डैश लगा है ना, ये अवकलन का चिन्ह है, तो ये नीचे वाली वैल्यू है ना उसका, ये ऊपर वाला अवकलन है, ये dx है, तो इसको log नीचे वाली वैल्यू यानी f of x plus c लिख सकता हूं। तो देखिएगा गाइस, ये आपके सूत्र है, ध्यान में रखना है, ये इसको मैं रफ कर रहा हूं, एक साइड में बाद में लिखूंगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये x पहले लिख दिया मैंने, माइनस का एक बटे दो, इसको लिखूंगा log वन प्लस में x की स्क्वेयर प्लस का c। गाइस ये हमारा आंसर आ जाता है, ये सूत्र आप लिख लो, यानी समाकलन f डॉट x यानी ऊपर वाला अवकलन नीचे वाले का, और यहां से dx तो आप लिखोगे log बड़ा ब्रैकेट f ऑफ x प्लस का c। ये आपको नोट करना है, ये आपके सूत्र काम में आएगा, ये सूत्र रहेगा आपका, ये आपका सूत्र रहेगा गाइस। जिसके भी समझ में नहीं आया है तो एक बार मेरे को कमेंट कर देना, भी ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसके गुणा में हमने एक माना है और इसका समाकलन किया है। ये हमारी जो दो तीन क्लासे हैं यू इंटू वी से समाकलन करने की, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, तो क्लास को मिस मत करिएगा यार, आइएगा। समाकलन के बाद में हम आसान टॉपिक शुरू करने वाले हैं, आसान रहेगा जो टॉपिक हमारा, कौन सा, मैट्रिक्स शुरू करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगी घंटी को भी दबाइएगा। चलिएगा गाइज, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ये ही आशा करता हूं मैं। चलिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, वो कौन सा रहेगा हमारा, देखिएगा जल्दी जल्दी देखिएगा, टाइम हो चुका है तो आपको जल्दी जल्दी देखना है। चलिएगा गाइज, जो भी बाद में जुड़े हैं कोई बात नहीं, जुड़े रहिएगा और क्लास को एक बार वापस देख लीजिएगा, जहां से आप जुड़े हैं वहां से पहले पहले टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स ये हमें करना है गाइस। यहां से देखिएगा, इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन करोगे तो आप फर्स्ट सेकंड तो मेरे को है पता है मान लोगे, बड़ी आसानी के साथ मान लोगे, क्योंकि आप इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, सही मानोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने अभी तक इतना पढ़ रखा है। लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा सा इसको सुव्यवस्थित तरीके से करो, क्योंकि टेन की स्क्वेयर का हमेशा कभी भी समाकलन नहीं होता। तो यहां से देखिएगा, इसको इस प्रकार से हल करना है, यानी टेन स्क्वेयर एक्स बराबर क्या होता है, sec square x माइनस का वन, और ये dx। अब इसको मानो, यानी इसका गुणा करो पहले, तो यानी x sec square x dx माइनस का x x x हाँ x
और dx। अब यहां से इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, इसके कोई बात नहीं, x का समाकलन कर दो, हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा गाइज, फर्स्ट को मैंने सेम रख दिया, इसका मैंने समाकलन कर दिया और ये माइनस का चिन्ह है, और यहां से इसका मैंने अवकलन कर दिया और इसका समाकलन कर दिया, और ये देखिएगा x की स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, कोई बात नहीं लगा दिया मैंने, यहां से इसका समाकलन कर दिया मैंने x की स्क्वायर अपॉन 2 और ये मान रख दिया इसके अंदर। तो देखिएगा गाइज, ये हो जाएगा sec स्क्वायर का होता है हमेशा क्या होता है, tan x होता है, समाकलन क्या होता है, tan x होता है, माइनस का चिन्ह, x का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, x का x के सापेक्ष क्या होगा, एक हो जाएगा। और यहां से देखिएगा ये हमारे पास बन जाता है sec स्क्वायर का समाकलन होता है हमेशा tan x और dx, और ये हो जाएगा x की स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का c, ये मैंने समाकलन नियतांक लगा दिया। अब इसके बाद में हमें देखना है, मैंने पिछली से पिछली क्लास में आपको करवा दिया है भी tan x का समाकलन क्या होता है, तो tan x का समाकलन क्या होता है मैंने बताया था भी, अगर माइनस का चिन्ह आएगा, हाँ बाहर माइनस है कोई बात नहीं, कौन सा भी ले सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कोस में लोगे तो प्लस का आ जाएगा, क्योंकि यहां से देखिएगा मैंने ये बताया था पिछली से पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि समाकलन sec x का मैंने बताया था, यानी tan x है ना, अरे यार tan x है, जल्दबाजी में हो गया, tan x का समाकलन मैंने बताया था भी log sec x या क्या रहेगा माइनस का, ये माइनस का log cos x, ये रहेगा cos x। तो कोई बात नहीं, अगर cos वाला लिखो तो माइनस का लिख देना, अगर sec वाला लिखो तो माइनस प्लस का लिख देना। तो यहां से ये हमारे पास सूत्र है भी, ये हमारे पास क्या है, सूत्र है। तो गाइज मैं यहां से लिख रहा हूं x tan x, ये माइनस का लिखूंगा, तो यहां से देखिएगा log x, मैं sec में लिख रहा हूं log sec x माइनस का x की स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है गाइज, यहीं तक आपको करना है। देखिएगा tan x का समाकलन मैंने बताया था भी log क्या होता है, log sec x होता है x की स्क्वायर, चलिएगा यहीं तक हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और यहीं तक आपको करना है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ, कोई बात नहीं, अगर कोई भी डाउट रहा हो लास्ट क्वेश्चन में तो मेरे को बता देना, कमेंट कर देना कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं बता दूंगा, अगर आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हो तो ऐसी कोई बात नहीं, आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर मैंने ये सूत्र ही लगाया है, यानी tan x का डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और सिद्ध करके भी बताया था, अभी क्वेश्चन भी आ सकता है दो नंबरों का, तो आपको डायरेक्ट उसमें नहीं लिखना है, उसमें आपको सिद्ध करके ही लिखना है। तो चलिएगा गाइज, आज का हमारा टाइम पूरा हो चुका है, आप आए हो बहुत बढ़िया, कंटिन्यू आया करो, डेली आया करो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।